हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। 21 जुलाई को मार्केट कैसा रह सकता है। आज मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी थी, आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी खुश होंगे आप लोग कि काफ़ी दिनों से मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। बट अभी कल का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए यह है कि आज 20 जुलाई को FII ने बाइंग की है 1780 करोड़ रुपीज़ के स्टॉक की। जी हाँ, 1780 करोड़ की बाइंग की है। FII की बाइंग अभी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू DII, और ऑन द कॉन्ट्ररी उसके अपोजिट DII ने 230 करोड़ का सेल ऑफ किया है। नेट सेल ऑफ 230 करोड़ का सेल किया है DII ने, और FII ने नेट बाय किया है 1780 करोड़ का। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए कि FII ने फिर से इतना हेविली बाइंग करना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आज US मार्केट को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स 0.30% अप है, S&P 500 0.80% अप है, NASDAQ 1.80% अप है, और स्मॉल कैप 2000 इंडेक्स USA का 1.10% अप है। तो अभी तो USA मार्केट अप है, तो ये अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए भी। बट मार्केट क्लोज होता है, अभी काफ़ी टाइम है। टेस्ला के नंबर्स आज आने वाले हैं, जून क्वार्टर के नंबर्स टेस्ला के आने वाले हैं, उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। अच्छे आएंगे तो और भी बढ़ेगा यूएसए मार्केट, और अगर ख़राब आए तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करोगे तो $107 प्रति बैरल का रेट है अभी, जो कि ठीक है, वही रेट पे घूम रहा है अभी एक दो दिन से। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट US डॉलर वर्सेज इंडियन रुपीज़, तो 79.96 रुपीज़ पे चल रहा है, मतलब 80 के आसपास ही घूम रहा है, जो कि एक वीक कहेंगे हम लोग इंडियन रुपी होते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू US डॉलर। तो ओवरऑल देखा जाए तो कल का मार्केट फ्लैट भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर देखा जाए तो सपोर्ट है निफ्टी का 16,400 का, और अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 15,600 को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। डिपेंड यही करता है कि US मार्केट क्लोजिंग कैसे देता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कल का मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन से भाग रहा है। हमारे मार्केट में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि सबके मन में डर रहता है कि कोई बैड न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिर जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यह है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, उन्होंने कहा है कि हम यूरोप का गैस का सप्लाई बंद नहीं करेंगे, और इसी के कारण भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे गिर नहीं रहा है। कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी, और इसीलिए US मार्केट में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिला। उसके अलावा नेटफ्लिक्स का जो कल अर्निंग आया था, आज जो मार्केट इतना भागा, उसका कारण सबसे इम्पॉर्टेंट ये था, नेटफ्लिक्स का जो बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा क्वार्टर रिजल्ट, ऐसा सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उससे बेटर आया। बहुत अच्छा नहीं आया, बट ख़राब भी नहीं आया, एवरेज आया। और नेटफ्लिक्स ने अपने अर्निंग कॉल में कहा कि हमारा नेक्स्ट क्वार्टर बहुत शानदार आएगा, तो इसके कारण ही मार्केट भागा USA का कल, क्योंकि सब लोगों के मन में डर यह है कि अभी रिसेशन आ रहा है तो सब कंपनियों के नंबर ख़राब आएंगे, पर नेटफ्लिक्स के नंबर अच्छा आने के कारण आपने देखा होगा कि टेक शेयर्स में ज़बरदस्त तेजी आई IT सेक्टर में। वैसे ही टेस्ला का भी आज रिजल्ट है, उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो कल बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, फ्लैट रहेगा मार्केट, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो। थैंक यू फ्रेंड्स।